है फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने जेनपैक किस तरीके से ज्वाइन किया, मैं एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंड आपके फ्रेंड को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगा एंड मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोज बनाऊंगा आपके लिए। सो मैं स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले मेरे पास जेनपैक से कॉल आई थी, एंड जेनपैक से कॉल कैसे आई थी, naukri.com के थ्रू। मैंने अपना रिज्यूम naukri.com पे अपलोड कर रखा था एंड एवरी डे मैं अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश करते रहता था सेम डेटा के साथ, अगर मेरे पास कोई न्यू चेंजेस नहीं होते थे। सो मैं प्रोफाइल रिफ्रेश करते रहता था एंड वन डे मेरे पास जब जेनपैक से कॉल आया HR का, उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे शेड्यूल की कि आपको कल 4 बजे से 5 बजे के बीच में इवनिंग में आपके पास कॉल आएगी जेनपैक के आपके मैनेजर के साइड से या फिर ABP के साइड से। एंड मेरे पास ठीक 4 से 5 बजे के बीच में कॉल आया, मेरे टेलीफोनिक राउंड में इंटरव्यू हुई जिसमें मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने पास्ट में क्या क्या काम कर रखा था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 1 ईयर काम कर चुका था। सो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में मेरे से पूछा गया एंड इसके अलावा मुझे एक्सेल में क्या क्या चीज़ें आती है, मैं अपने आप को कितना रेटिंग देना चाहूँगा एक्सेल में, SAP में चीज़ें क्या क्या आती है मेरे को करना। तो ये सारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए, 10 to 15 मिनट का टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू हुआ। आफ्टर दैट उस इंटरव्यू के बाद मेरे पास फिर कोई कॉल नहीं आया जेनपैक से एंड शायद मुझे लगा कि मेरा जेनपैक में सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो मेरे पास HR का मेल आया आफ्टर 10 डेज। जब HR का मेल आया उसमें उन्होंने मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और सारी चीज़ें फॉर सैलरी डिस्कशन के लिए, बट मुझे लगा कि ये मेल सही नहीं है एंड मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उस मेल के ऊपर मैंने कोई रिवॉल्ट नहीं किया। फिर मेरे पास कॉल आया 2 to 3 डेज आफ्टर उस मेल के कि आपका जेनपैक में सिलेक्शन हो गया है, अगर आप जेनपैक ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप हमें सेंड कर दो HR का। सो मैंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स HR को मैंने सेंड किए। आफ्टर उसके 10 डेज बाद मेरे साथ सैलरी निगोशिएशन हुआ, सैलरी डिस्कशन हुआ एंड फिर मेरे को सैलरी डिस्कशन के 5-6 दिन बाद मेरे को ऑफर लेटर मिला। तो एक लंबा प्रोसेस था मुझे सिलेक्शन से लेकर ऑफर लेटर मिलने तक का। सो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी हुआ था। अगर आप सेम क्वालिफाइड हो, फ्रेशर हो या फिर आप 1 ईयर 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो मोस्ट ऑफ द चांस है आपके आपका मैनेजमेंट लेवल पे ही आपका सिलेक्शन हो मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। सो मैनेजमेंट ट्रेनी बैंड 4A आता है, बैंड 4A सबसे फर्स्ट बैंड है मैनेजमेंट लेवल का। इसमें सैलरी रेंज क्या है, अगर मैं आपको MT लेवल पे बताऊं तो सैलरी रेंज यहाँ पे फिक्स पोर्शन की अगर मैं बात करूँ 5 लाख से लेके 7 to 7.5 लाख तक का हो सकता है आपका फिक्स पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन की बात करूँ तो MT लेवल के लिए वेरिएबल पोर्शन जो होता है सैलरी कंपोनेंट का वो 10% का ही होता है नॉर्मली, जिसमें आपके अमाउंट 50,000 से लेके 85,000 तक का हो सकता है आपका बोनस, अगर आप T20 परफॉर्मर हो, इतने अगर आप स्टार परफॉर्मर हो अपने टीम के अगर विद इन द ईयर तो आपको मिल सकते हैं 85,000 तक का आपका वेरिएबल कंपोनेंट। सो ये सैलरी रेंज था, इसी के बीच में मेरी भी सैलरी पैकेज थी। अगर आप जेनपैक ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप MT लेवल पे, तो आप प्लीज HR के साथ आप अच्छे से सैलरी नेगोशिएशन करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सैलरी नेगोशिएशन नहीं कर पाते हैं और जिनके वजह से उनके अंदर क्वालिटी होते हुए भी उनको एक अच्छा पैकेज नहीं मिलता है और उसके बाद फिर हम अपने क्वालिफिकेशन अपने प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं कि हमें एक अच्छा पैकेज नहीं मिला। सो ये आपकी स्किल है और नेगोशिएशन आपको करना है। आफ्टर जब मैंने जेनपैक ज्वाइन कर लिया फिर मेरे पास कॉल आया मेरे सीनियर मैनेजर का लैपटॉप कलेक्शन के लिए, फिर मैं लैपटॉप लेने गया नोएडा स्टेलर बिल्डिंग 135 एंड फिर मैंने वहां से अपना लैपटॉप कलेक्ट किया। आफ्टर दैट फिर मेरी एक न्यू प्रोसेस में ज्वाइनिंग हुई मार्स, एंड मार्स के बारे में शायद आप लोगों ने शायद सुना हो, जैसे मार्स के चॉकलेट्स इंडिया में फेमस है, स्नेकर्स, ऑर्बिट, बूमर और भी बहुत सारे M&M के प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में चॉकलेट्स के। सो शायद आप सबने कभी ना कभी मार्स के चॉकलेट्स खाए हो। सो मार्स में मेरा सप्लाई चेन फाइनेंस डिवीजन था एंड जिसमें कॉस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, जैसे वेरियंस एनालिसिस करना, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे पीरियड एंड मंथ एंड क्लोजिंग रिलेटेड। ये सारे काम मैंने विद इन द ईयर किया। मैंने ट्रांजिशन कंप्लीट किया। ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई न्यू प्रोसेस जब स्क्रैच से आती है तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग लेते हैं अपने ट्रेनर से, इट मीन्स जो पर्सन उस काम को पास्ट में कर रहा था हम उससे सारी एक्टिविटीज सारा काम पहले सीखते हैं, ओन करते हैं, देन हम उसके एक DTP बनाते हैं डेस्कटॉप प्रोसीजर एंड उस
डेस्कटॉप प्रोसीजर को जो हम अपने ट्रेनर को सबमिट कर देते हैं, एंड ट्रेनर उसको रिव्यू करता है, उसके बेसिस पे हमें फीडबैक देता है, एंड फीडबैक के बेसिस पे फिर से हमें डीटीपी अपडेट करना पड़ता है। ये जेनपैक्स में इस तरीके से काम होता है। उस डीटीपी के बेसिस पे आप अपने मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हो। सो अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं है कॉस्टिंग के मामले में, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे नहीं हो, आपको नहीं पता किस तरीके से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो हम वो सारी चीजें आउटसाइड लोकेशन से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप बन जाता है बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग और आपका आउटसाइड लोकेशन का। सो ये गैप है, और इसीलिए अगर आप कोर कॉस्टिंग को चूज करना चाहते हो तो आप जेनपैक मत ज्वाइन करना, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉस्टिंग की नॉलेज हो जाए और एक सेफ साइड जॉब हो जहां मुझे फैक्ट्री लोकेशन पे ना जाना पड़े, जहां मुझे आउटसाइड लोकेशन पे ना स्टे करना पड़े, तो आप जेनपैक ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेनपैक में ग्रोथ की, तो जेनपैक में जो ग्रोथ है वो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, वो फिक्स है, आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बार बार अपने मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, एबीपी को बोलना पड़ेगा सर मेरी इंक्रीमेंट करवा दो, मेरी इंक्रीमेंट करवा दो, आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट का प्रोसीजर क्या है, जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसी मंथ में नेक्स्ट ईयर जब आपका वन ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 मार्च थी लास्ट ईयर, तो इस ईयर 1 मार्च को मेरा इंक्रीमेंट ड्यू हो गया एंड 16 मार्च को मेरे पास मेरा इंक्रीमेंट लेटर आ गया था। सो इसके अलावा अगर मैं बोनस की बात करूँ तो बोनस कब मिलता है, बोनस आपको अगर आप एम्प्टी लेवल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एनुअली बोनस मिलेगा। एवरी ईयर 31 मार्च को जेनपैक्ट आपको बोनस देगी। जैसे मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था तो मुझे इस ईयर 31 मार्च को प्रोपोर्शनेट बोनस मिलता है और मुझे मिला। सो इसके अलावा अगर मैं और कुछ कहूँ जेनपैक्ट में अगर एक्सपीरियंस के बारे में, तो अगर जिन्हें डोमेन चाहिए, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो शायद कहने के वो आपको जेनपैक्ट में नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 90% चीज़ें ऑटोमेटेड है, सिस्टम जनरेटेड है, तो आपको कॉपी पेस्ट क्लिक करना जिससे रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आपके पास आ जाएगा। तो ऑटोमेटेड चीज़ें में हमें कम लर्निंग मिलता है, बिकॉज चीज़ें ऑटोमेटेड है, तो टाइम सेविंग के लिए आपके पास टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव होगा, कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट कर सकते हो। सो इसलिए बिग ऑर्गेनाइजेशन चीजों को ऑटोमेटेड ही करती है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अगर आप बहुत अच्छा लर्निंग लेना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जेनपैक को आप रेयर केस में अपने पास ऑप्शन में रखो, फर्स्ट चांस रखो। आप हमेशा इंडियन कंपनीज को ज्वाइन करना, अगर आपको इंडियन कंपनी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कोई भी इंडियन अच्छी कंपनी का अच्छा पे कर रही हो, तो आप उसके साथ आप पहले जाओ। लेटर ऑन ओवर द टाइम पीरियड जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हो, आप एक अच्छा हाइक चाहते हो, सैलरी चाहते हो, तो आप MNCH को ज्वाइन करो। सो होप तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।